नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल SVR पोर्टल पर। आज की कंपैरिजन वीडियो होने वाली है किया सेल्टॉस एंड ह्यूंडई वेन्यू के पेट्रोल मॉडल्स की। बात की जाए किया सेल्टॉस की तो ये बी सेगमेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है, एंड जिसका कंपैरिजन ह्यूंडई वेन्यू ब्रेजा जैसी कार से नहीं सेल्टॉस टाटा हैरियर से होना चाहिए। लेकिन ये प्राइस कंपैरिजन के कारण, प्राइस क्लैश के कारण मैंने इस कंपैरिजन को बनाया है, ना कि सेगमेंट को देखते हुए। ह्यूंडई वेन्यू जो कि B2 सेगमेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है, कॉम्पैक्ट SUV है, 4 मीटर के अंदर आती है। वहीं किया सेल्टॉस बी सेगमेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है, जो कि 4 मीटर के अंदर नहीं, 4 मीटर से ज्यादा की डायमेंशन रखती है, जिसका कंपैरिजन लेजिट बिल्कुल भी नहीं है वेन्यू के साथ। बट फिर भी मैं आपको एक तरीके से समझाना चाहता हूं कि अगर आपका प्राइस पॉइंट इतना है तो क्या आप एक वेन्यू की जगह किया सेल्टॉस बी सेगमेंट कैटेगरी की SUV भी लेंगे तो क्या आपको उसमें सर्विस कॉस्ट का कोई डिफरेंस आने वाला है, ओनरशिप कॉस्ट का कोई डिफरेंस आने वाला है, या फिर सेल्टॉस आप लोगों को ज़्यादा सस्ती पड़ने वाली है वेन्यू के कंपैरिजन में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, एंड अगर अभी तक आप लोगों को पसंद आ रही हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कर देना, एंड साथ ही साथ हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल का ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी ऐसी ऑटोमोटिव से रिलेटेड वीडियोस एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट मिस ना कर दें। शुरू कर लेते हैं एंड बात कर लेते हैं वेरिएंट्स एज वेल एज प्राइजेस से। ह्यूंडई वेन्यू का आज हमने SX ऑप्शनल वेरिएंट लिया है टर्बो में, जो कि 10.91 लाख रुपीस एक्स शोरूम कॉस्ट करता है दिल्ली में। वहीं किया सेल्टॉस की बात की जाए तो HT के G वेरिएंट लिया है हम लोगों ने सेल्टॉस का, जो कि बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है, 10.49 लाख रुपीस कॉस्ट करता है एक शोरूम दिल्ली में। बात की जाए प्राइसिंग की तो डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 42,000 रुपीस का। तो क्या इस 42,000 रुपीस के डिफरेंस में आपको वेन्यू के ऊपर ही जाना चाहिए, या फिर आराम से आप सेल्टॉस का HT के वेरिएंट ले पाएंगे, जो कि ओवरऑल एक देखा जाए तो एक अबव सेगमेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है। प्राइस क्लैश के कारण मैंने कंपैरिजन बनाया है, ना कि सेगमेंट के हिसाब से। प्राइस क्लैश कंपैरिजन भी होता है, जिसके कारण मैंने आपको बताया कि 11 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो कौन सी SUV आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाली है। बात कर लेते हैं इंजन एज वेल एज परफॉर्मेंस की। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही कार्स में आपको अलग पेट्रोल इंजन देखने मिल जाते हैं। ह्यूंडई वेन्यू SX ऑप्शनल टर्बो में आपको 1 लीटर कापा टर्बो GDI पेट्रोल इंजन देखने मिल जाता है, जो कि 3 सिलेंडर है एंड 118 BHP की पावर 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट कर 18.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी इंजन क्लेम कर लेता है। बात की जाए इसमें मिलने वाले गियर बॉक्स की तो आपको मैनुअल 6 गियर्स देखने मिल जाते हैं वेन्यू के टर्बो वेरिएंट में। वहीं अगर सेल्टॉस की बात की जाए तो आपको बड़ा इंजन देखने मिल जाता है, यानी 1500 cc का 1.5 लीटर स्मार्ट स्ट्रीम G पेट्रोल इंजन देखने मिल जाता है, जो कि 4 सिलेंडर है एंड ये पावर की बात की जाए तो 114 BHP की पावर 144 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट करता है 16.8 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज के साथ। वहीं अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स की तो मैनुअल 6 गियर्स आपको सेल्टॉस के पेट्रोल इंजन के साथ भी देखने मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ह्यूंडई वेन्यू नो डाउट आपको कभी भी निराश नहीं करने वाली। ओवरऑल जो फन टू ड्राइव फीलिंग है, इंथूसियास्ट ड्राइवर्स के लिए जो फीलिंग आने वाली है, वो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ वेन्यू में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बात की जाए इसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी की, हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, तो वेन्यू की हाई स्पीड स्टेबिलिटी किया सेल्टॉस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको स्टिफ सस्पेंशन सेटअप देखने मिले हैं, जिसका इफेक्ट इसकी कम्फर्ट एज वेल एज राइड क्वालिटी पर जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ हाई स्पीड स्टेबिलिटी की तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगेगी ह्यूंडई वेन्यू हाई स्पीड स्टेबिलिटी। बात की जाए इसके इंजन की तो काफी ज्यादा पंची लगने वाला है किया सेल्टॉस के मुकाबले। लेकिन किया सेल्टॉस की बात की जाए तो प्रैक्टिकलिटी में जब आप इसे चलाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इतनी बड़ी कार में आपको इतना कम पावरफुल इंजन दिया गया। 114 बिल्कुल परफेक्ट है किया सेल्टॉस के लिए एंड काफी ज्यादा मजा आता है इसे चलाने के लिए। अगर आप एक एंथुसियास्ट ड्राइवर भी हैं तो भी आपको किया सेल्टॉस चलाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। मिड रेंज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड किया सेल्टॉस की बात की जाए तो काफी ज्यादा रिफाइंड एंड स्मूथ इंजन देखने मिलेगा ह्यूंडई वेन्यू के कंपेयर में। तो ओवरऑल इंजन एंड परफॉर्मेंस के मामले में वेन्यू एक स्मॉल पॉइंट रखती है, लेकिन ओवरऑल जो कंफर्ट है, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी है, वो सेल्टॉस की काफी ज्यादा बेहतर है वेन्यू के कंपैरिजन में। परफॉर्मेंस तो पता चल गई, लेकिन कौन सी कार आपका कितना जेब खर्च करवाने वाली है वो भी देख लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट की। ह्यूंडई वेन्यू की बात करूं तो सेकंड सर्विस होती है इसकी 10,000 किलोमीटर्स पे, जो कि 1300 रुपीस कॉस्ट करेगी। थर्ड सर्विस 20,000 किलोमीटर्स पे होने वाली है, जो कि 2,000 रुपीस यहां पे कॉस्ट करने वाली है। फोर्थ सर्विस 30,000 किलोमीटर पे होगी, जो कि 3900 रुपीस आपके लगा देगी। 40,000 किलोमीटर पे इसकी फोर्थ सर्विस होगी, जो कि 4,600 रुपीस कॉस्ट करेगी। सिक्स्थ सर्विस इसकी 50,000 किलोमीटर पे होगी, जो कि 4,600 रुपीस कॉस्ट करेगी। तो ये थी वेन्यू की सर्विस कॉस्ट। अब हम बात करने वाले हैं किया सेल्टॉस की सर्विस कॉस्ट। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया सेल्टॉस बी सेगमेंट होने के बावजूद भी कॉम्पैक्ट SUV से महंगी पड़ने वाली है। चलिए
सेकंड सर्विस की बात की जाए तो 4904 रुपीस यहाँ पे आपको किया सेल्टॉस में देने पड़ेंगे 20,000 किलोमीटर्स पे जब इसकी सर्विस होगी। थर्ड सर्विस 30,000 किलोमीटर पे होगी जो कि 3,392 रुपीस कॉस्ट करेगी। फोर्थ सर्विस इसकी 40,000 किलोमीटर पे होगी जो कि 6,037 रुपीस कॉस्ट करेगी। फिफ्थ सर्विस इसकी 50,000 किलोमीटर पे होगी जो कि 3,892 रुपीस कॉस्ट करने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए 5 इयर्स ओनरशिप कॉस्ट जो है वेन्यू का वो 16,400 रुपीस आपको देखने मिल जाता है। वहीं अगर मैं सेल्टॉस की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 5 इयर्स ओनरशिप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 17,925 रुपीस देखने मिल जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बी सेगमेंट एसयूवी होने के बावजूद भी सर्विस कॉस्ट में 2,000 रुपए का भी डिफरेंस नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूँ सेल्टॉस में आने वाले कंपैरिजन की तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी कंफर्ट राइड देखने मिल जाती है। राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी सेल्टॉस की कहीं ज़्यादा बेहतर है वेन्यू के कंपैरिजन में। इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड है। एंड वहीं अगर मैं ऑन रोड एज वेल एज एक्स शोरूम प्राइजेस की बात करूँ तो आप लोगों को ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलता। इवन SX ऑप्शनल जो टर्बो वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू सेल्टॉस के HTK वेरिएंट के कंपैरिजन में। तो चलिए ये तो एक मिथ आपके दिमाग से हट गया कि अगर मैं बी सेगमेंट एसयूवी के ऊपर जाता हूँ तो सर्विस कॉस्ट इतना भी नहीं बढ़ जाता कि मेरी पूरी जेब भी खाली हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी स्पेस किस में कितना मिल जाता है डायमेंशन एज वेल एज कैपेसिटी की। तो ओवरऑल आप डायमेंशन अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, चाहे वो लेंथ हो, विड्थ हो, वी हाइट हो, व्हील बेस हो, ग्राउंड क्लियरेंस हो, सभी चीज़ों के मामले में यहाँ पर एक बेनिफिट यहाँ पे किया सेल्टॉस को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 195 एंड 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको सेल्टॉस में देखने मिल जाता है जो कि मोर देन सफिशियंट है फॉर बैड पैचेस ऑल्सो। बट सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट जो जाता है वो जाता है इंटीरियर स्पेस में। लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेशियस केबिन देखने मिल जाता है, चाहे वो विड्थ हो, हाइट हो, आप लोगों को शोल्डर रूम, लेग रूम एज वेल एज नी रूम की कभी भी कमी नहीं लगने वाली। ओवरऑल जो स्पेशियस केबिन है, रूमी केबिन आपको सेल्टॉस में देखने मिल जाता है जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के केबिन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। बात की जाए प्लास्टिक क्वालिटी की तो किया सेल्टॉस में आपको प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल देखने मिल जाते हैं जो कि ह्यूंडई वेन्यू में इतने भी ज़्यादा नहीं देखने मिलते। ओवरऑल इंटीरियर फीलिंग की बात करूँ तो वो सेल्टॉस में ज़्यादा प्रीमियम आती है एज कम्पेयर टू ह्यूंडई वेन्यू। एंड किया सेल्टॉस का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट मुझे HTK ही लगता है क्योंकि इसमें काफी सारे अच्छे फीचर्स आपको कम दामों में मिल जाते हैं एंड काफी ज्यादा फीचर्स आपको आफ्टर मार्केट नहीं लगवाने पड़ते, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेस के मामले में भी आपको सेल्टॉस कहीं ज्यादा बेहतर लगने वाली है वेन्यू के कंपैरिजन में। बात की जाए बूट स्पेस की तो यहाँ पे 433 लीटर की मैसिव बूट स्पेस सेल्टॉस में देखने मिलेगी, वही वेन्यू में 350 लीटर की स्पेस आपको देखने मिल जाती है। 50 लीटर की फिल्टिंग कैपेसिटी सेल्टॉस में देखने मिल जाती है, वही 45 लीटर की फिल्टिंग कैपेसिटी वेन्यू में देखने मिल जाती है। बात कर लेते हैं टायर साइज एंड टाइप की, तो किया सेल्टॉस का बेस वेरियंट होने के कारण यहाँ पर आप लोगों को स्टील रिम्स विद व्हील कैप्स ऑफर किए जाने वाले हैं। वही वेन्यू की बात की जाए तो अलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको ऑफर किए जाने वाले हैं। बात की जाए साइज की तो 205/65 R16 इंच के व्हील साइज आपको सेल्टॉस में देखने मिल जाते हैं, वहीं 215/60 R16 16 इंच के व्हील्स आपको वेन्यू में भी देखने मिल जाते हैं। ओवरऑल साइज की बात करूं तो थोड़े से चौड़े टायर आपको सेल्टॉस में देखने मिल जाते हैं जो कि इसकी ब्रेकिंग एंड ग्रिप में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वहीं थोड़े से लंबे एंड थोड़े से डायमीटर में बड़े टायर आपको वेन्यू में देखने मिल जाते हैं जो कि इसकी ब्रेकिंग में भी हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ओवरऑल प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स का दोनों ही कार्स में यूज़ किया गया है, लेकिन जो ओवरऑल स्पेस है, इंजन अच्छा मिल जाता है आपको सेल्टॉस में, वहीं कहीं ज़्यादा बेटर सर्विस कॉस्ट आप लोगों को सेल्टॉस की देखने मिल जाती है क्योंकि बी सेगमेंट कैटेगरी से होने के बावजूद इसकी सर्विस कॉस्ट एक कॉम्पैक्ट एसयूवी से कॉम्पीट करने लायक है। अब बात कर लेते हैं मिलने वाले फीचर्स की, यानी कॉमन फीचर्स की। कॉमन सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो दोनों ही कार्स में आप लोगों को डुअल एयरबैग्स, हेडरेस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल की तो ये आप लोगों को वेन्यू में देखने मिल जाता है। बाकी तीन फीचर्स ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल सेल्टॉस में नहीं दिए गए हैं। तो इंजन इमोबिलाइजर, कीलेस सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, कंफर्ट फीचर्स के हिसाब से आप लोगों को मैनुअल AC यहाँ पे सेल्टॉस में देखने मिल जाता है। वहीं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वेन्यू में दिया गया है। बात की जाए रेयर AC की तो यहाँ पर आप लोगों को सेल्टॉस एज वेल एज वेन्यू में दोनों में ही रेयर AC देखने मिल जाता है विथ हीटर, वैनिटी मिरर और सनवाइजर, कैबिन बूट एक्सेस, एंटी ग्लेयर मिरर जो कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल देखने मिल जाता है सेल्टॉस में, वहीं मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है वेन्यू में। पार्किंग असिस्ट की बात की जाए तो रिवर्स कैमरा दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है, वहीं रेयर पार्किंग सेंसर्स दोनों में ही दिया गया है। क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन, रिमाइंडर, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आप लोगों को वेन्यू में देखने मिल जाता है, वहीं सेल्टॉस में आप लोगों को मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। वहीं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट देखने मिल जाता है, 12 वोल्ट पावर आउटलेट यहाँ पे दो देखने मिलेंगे
वेन्यू में सिंगल 12 वोल्ट पावर आउटलेट सेल्टॉस में देखने मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं टेलीमैटिक्स की कि आप लोगों को डिजिटल वर्ल्ड में ऐप के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि नई कार को। रिमोट कार लाइट फ्लैशिंग हॉकिंग वाय ऐप आपको वेन्यू में देखने मिल जाती है। रिमोट एसी ऑन ऑफ वाय ऐप, जियो फेंस चेक व्हीकल स्टेटस वाय ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाय ऐप, इमरजेंसी कॉल फाइंड माय कार जैसे फीचर्स आपको वेन्यू में देखने मिल जाते हैं। वही सेल्टॉस का बेस वेरिएंट होने के कारण कोई भी टेलीमैटिक्स या फिर ऐप फीचर आपको नहीं देखने मिलता। बात की जाए स्टोरेज की तो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज, कूल्ड ग्लव बॉक्स एंड ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज दोनों कार्स में देखने मिल जाते हैं। वहीं कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको वेन्यू में देखने मिलेगा। सनग्लास होल्डर यहाँ पे सेल्टॉस में देखने मिल जाता है। पावर विंडोज की बात की जाए तो दोनों कार्स में आपको फ्रंट एंड रियर पावर विंडो, ड्राइवर वन टच ऑपरेटिंग पावर विंडो देखने मिल जाती है। वहीं एडजस्टेबल ओआरवीएम की बात की जाए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल आपको वेन्यू में देखने मिलेंगे एंड बाकी किया सेल्टॉस में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ही देखने मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओआरवीएम, रियर डिफॉगर आपको वेन्यू में देखने मिल जाता है विद रियर वाइपर जो कि सेल्टॉस में नहीं दिया गया है। बात की जाए अगर एक्सटीरियर की तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ आपको वेन्यू में देखने मिल जाती है। वहीं किया सेल्टॉस के बेस वेरिएंट होने के कारण इसमें नहीं दी गई है। हायर वेरिएंट्स की तरह अगर आप शिफ्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल सनरूफ का ऑप्शन देखने मिल जाता है। अगर मैं बात करूं लाइटिंग सेटअप की तो फॉग लाइट्स आप लोगों को हेलोजन प्रोजेक्टर देखने मिल जाती है दोनों ही कार्स में। LED DRLs आपको वेन्यू में देखने मिल जाती है जो कि किया सेल्टॉस में नहीं मिल पाती। हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर आपको वेन्यू में देखने मिलेगा जो कि सेल्टॉस में नहीं दिया गया है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो LED टेल लाइट्स देखने मिल जाती है वेन्यू में, हेलोजन टेल लाइट्स यहाँ पे सेल्टॉस में देखने मिल जाती हैं। वहीं हेडलाइट हाइट एडजस्टर की फंक्शन आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर को ड्राइवर में ही दिया गया है। वहीं कॉर्नरिंग हेडलाइट आपको पैसिव देखने मिल जाती है वेन्यू में एंड कॉर्नरिंग हेडलाइट फंक्शन आपको सेल्टॉस में नहीं मिल पाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेल्टॉस में दिया गया है। वहीं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे वेन्यू में दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्विन ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर, डायनेमिक शिफ्ट इंडिकेटर, एनालॉग टैकोमीटर, इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन का फीचर आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले करता है। बात करने वाला हूँ अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कि होने वाला है इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंफोटेनमेंट सिस्टम की। दोनों कार्स में आप लोगों को डुअल डिन हेड यूनिट देखने मिल जाते हैं जो कि डिजिटल डिस्प्ले के यानी टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने मिल जाते हैं जो कि एंड्रॉइड ऑटो एज वेल एज एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेंगे। एंड बात करो दोनों में ही मिलने वाले स्पीकर्स की तो 6 स्पीकर सेल्टॉस में दिए गए हैं, 6 प्लस स्पीकर्स आप लोगों को वेन्यू में देखने मिल जाते हैं। GPS नेविगेशन का सपोर्ट आपको वेन्यू में देखने मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं मिलने वाले कुछ और एडिशनल फीचर्स की तो इस हेड यूनिट को आप USB ऑक्स के साथ तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वॉइस कमांड का फीचर दोनों ही कार में देखने मिल जाता है। बात की जाए स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की तो वो भी आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो वो होने वाला है मैन्युफैक्चरर वारंटी की कि अपने अपने मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट पे कितना ज़्यादा भरोसा है। 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी दोनों ही कार्स में आपको देखने मिल जाती है। तो किया एंड ह्यूंडई काफ़ी अच्छे वारंटी ऑफर्स अब ऑफर करने लगे हैं एंड उन्हें अपने कार्स पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है जिसके कारण आपको बेहतरीन वारंटी पैकेज यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं दोनों ही मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू। तो चलिए हमने सारे ही डिटेल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है, अब बात कर लेते हैं एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे ह्यूंडई वेन्यू में आपको डिजिटल डिस्प्ले, एयर कंडीशनिंग देखने मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इको कोडिंग टेक्नोलॉजी, ड्राइवर रियर मॉनिटर, क्लच फुटरेस्ट, फ्रंट मैप लैंप्स, एयर प्यूरीफायर, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर पावर आउटलेट, इंटरमिटेंट वेरिएबल फ्रंट वाइपर, अल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम, रियर पार्सल ट्रे एंड किया सेल्टॉस में ऐसा कोई भी एडिशनल फीचर आपको नहीं देखने मिलता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि विच इज बेस्ट टू बाय। बात की जाए अगर किया सेल्टॉस एंड ह्यूंडई वेन्यू के कंपैरिजन की तो ओवरऑल नहीं बनता क्योंकि ये दोनों अलग अलग सेगमेंट की कार्स हैं एंड इनका ओवरऑल देखा जाए प्राइस पॉइंट एक होने के कारण मैंने इनका कंपैरिजन बनाया है। प्राइस क्लैश कंपैरिजन करने के बाद किया सेल्टॉस ह्यूंडई वेन्यू का मैंने सारा ही डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट किया, चाहे वो सर्विस कॉस्ट हो, मैन्युफैक्चरर वारंटी हो या फिर बात हो फीचर्स की। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ह्यूंडई वेन्यू में आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। ऑब्वियसली बात है कि किसी भी कार के अगर टॉप एंड वेरियंट लेंगे तो उसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स दिए जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू फॉर मनी डील रहने वाली है वो रहने वाली है किया सेल्टॉस की। किया सेल्टॉस जो कि बी सेगमेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है, टाटा हैरियर SUV से इसका कंपैरिजन किया जाना चाहिए ना कि वेन्यू से, लेकिन फिर भी आपको इस प्राइस पॉइंट में किया सेल्टॉस ऑफर की जाने वाली है किया मोटर्स की तरफ से जो कि वेन्यू से काफी ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, ड्राइवेबिलिटी, कंफर्ट लेवल और राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी। बात की जाए किया सेल्टॉस की तो 1500 cc का पावरफुल इंजन देखने मिल जाता है जो कि सफिशियंट पावर जनरेट करता है सेल्टॉस के लिए।
बात की जाए इसकी ड्राइवेबिलिटी की तो लो एंड आपको ठीक ठाक देखने मिल जाता है एंड मिड रेंज स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसको चलाने में मजा भी आता है। बात की जाए किया सेल्टोस की तो ओवरऑल कंफर्ट लेवल आपको वेन्यू से काफी ज्यादा बेहतर देखने मिलता है। सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छी तरीके से ट्यून किए गए हैं जो कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देते हैं एंड ओवरऑल कंफर्ट भी काफी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। डायमेंशंस की बात की जाए तो काफी अच्छा केबिन स्पेस देखने मिल जाता है। यूटिलिटी स्पेसेस आपको वेन्यू से ज्यादा देखने मिल जाती है एंड ओवरऑल जो कंफर्ट एंड नेसेसिटी के फीचर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं एचटी के वेरिएंट में जो कि इस प्राइस पॉइंट में काफी ज्यादा कम है वेन्यू से। वेन्यू की प्राइसिंग की बात की जाए या फिर किया सेल्टोस की प्राइसिंग की बात की जाए तो जमीन आसमान का अंतर यहाँ पे आने वाला है। सेल्टोस की बात की जाए तो वैल्यू फॉर मनी डील यहाँ पे सेल्टोस रहने वाली क्योंकि इस प्राइस पॉइंट नेसेसरी फीचर्स भी ऑफर कर रही है। बिगर इंजन, बिगर केबिन स्पेस एंड आपको सर्विस कॉस्ट में भी कोई भी अंतर नहीं देखने मिलने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो किया सेल्टोस इज मोर वैल्यू फॉर मनी टू बाय। एंड अगर मैं बात करूँ राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, पंची ड्राइव की, तो वो आपको सेल्टोस में भी मिल सकती है। अगर आपने दोनों की टेस्ट ड्राइव ली होगी तो आप लोगों को थोड़ा बहुत फर्क समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक टर्बो पेट्रोल इंजन की तो एक टर्बो पेट्रोल इंजन टर्बो ही होता है। उसका जो पंच, उसका जो ड्राइविंग फीलिंग होता है वो नेचुरली एस्पिरेटेड कभी भी मैच नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं, अगर आपको स्पेस की ज्यादा नीड नहीं है, इफ यू वांट फीचर्स, इफ यू वांट अ पावरफुल इंजन, अगर आप इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, भले आप स्पेस से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ह्युंडई वेन्यू के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्पेशियस कार चाहिए, इफ यू वांट अ एसयूवी जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे एंड साथ ही साथ आप उससे खुश भी रहे, तो आपको किया सेल्टोस के ऊपर बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि आपको पावर के साथ साथ ये माइलेज भी निकाल के दे देगी जो कि ह्युंडई वेन्यू का टर्बो इंजन इतना ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। तो चलिए मेरा ऑप्शन की बात करूं तो मेरा चॉइस होगा जस्ट गो फॉर किया सेल्टोस एचटी के वेरिएंट। ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है एंड काफी सारे लोग इसको लेके खुश भी हैं। तो चलिए ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसे नए ऑटोमोटिव से रिलेटेड वीडियोस लाते रहें। और हां, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे सेफ, देखते रहिए एसवी कार पोर्टल।